सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कर्म का जो आश्रय है, इसका अर्थ कर्म की आसक्ति है। ये आसक्ति चार प्रकार की होती है। एक कर्मासक्ति, कर्म की आसक्ति। दूसरी फलासक्ति, फल की आसक्ति। तीसरी कर्तृत्वासक्ति, ये मैंने किया कर्म, इसकी भी व्यक्ति को आसक्ति है। मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता। और आप निरीक्षण करोगे ना समाज का, तो लोग कितनी छोटी छोटी बातों के लिए ऐसी आसक्ति निर्माण करते हैं, बंधन निर्माण करते हैं और अपनी मुक्ति को, अपने आनंद को रोक लेते हैं। टेबल भी साफ किया होगा तो व्यक्ति को कर्तृत्व आसक्ति आ जाती है। मैं जैसा टेबल साफ करता हूं या करती हूं, बहन जी हूं, तो ऐसा किसी को नहीं आता। अरे 2x4 का टेबल है, 8 square feet का एरिया, क्या उसमें रंगोली पुरवानी जमा। लेकिन मैं जो करता हूं या मैं जो करती हूं, ये किसी को नहीं आता। मजे की बात यह है कि ऐसा सब लोग मानते हैं। एकाध व्यक्ति माने तो बात समझ में आए कि हाँ चलो, परिवार में 7 लोग हैं, उसमें से एक जैसा किसी को नहीं आता। 7ों समझते हैं कि मेरे जैसा किसी को नहीं आता। ये कर्तृत्व आसक्ति संघर्ष निर्माण करती है। और जैसी कर्तृत्व आसक्ति है, ऐसी अकर्तृत्व आसक्ति है। ये कर्म मैंने नहीं किया, उसकी भी आसक्ति है। हम कभी ऐसा करेंगे ही नहीं, ये हमसे होगा ही नहीं, ये भी एक आसक्ति है। इसे छूटना है। कार्यं कर्म करोति यह, थोड़ा सा ब्रॉड देता हूं, फिर उसके डिटेल में जाएंगे। अब देखिए, संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से यदि हम समझें इसे, तो यह करोति इतना पर्याप्त था। जो करता है, कार्यं कर्म करोति यह, यह कार्यं कर्म करोति, जो करने जैसे कर्म करता है। कर्म किसी और क्या कर सकते हो, क्योंकि जो भी करते हो वो कर्म ही तो है। भगवान ने स्पष्टता की, यह कर्म करोति। नलिन भाई, केवल यह करोति पर्याप्त था, लेकिन यह कर्म करोति, और एक विशेषण उसको लगाया, यह कार्यं कर्म करोति, करने जैसे कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण यहां पर बड़े स्पेसिफिक हैं, कुछ उद्देश्य है उनका। यत्किंचित करोति नहीं है, जो उसके मन में आए वो करता रहे। देखिए, प्रवृत्ति तो जीव मात्र करते हैं। आपके 10x10 के कमरे में एक छोटी सी मक्खी भी आ जाएगी तो वो भी गुन 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 करते इधर उधर 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 करती। कर्म तो किया ना उसने। मनुष्य भी करता है, जो किया वो कर्म है, पहली बात। दूसरा, जो या केवल क्रिया है, इसका विश्लेषण हम डिटेल में कर चुके हैं। प्रत्येक क्रिया कर्म नहीं होती। एवरी वर्क इज नॉट एन एक्शन। और अभी तो इंग्लिश एनसाइक्लोपीडियाओं ने भी कर्म शब्द का स्वीकार कर दिया। तो इस वाक्य को सुधार कर हम ये कह सकते हैं कि एवरी एक्शन इज नॉट अ कर्म। इसलिए कार्यं कर्म, क्रिया सब लोग करते हैं, कर्म हुआ। और तीसरा कर्तव्य कर्म,
योगी जो है उसका कर्म निष्काम अवश्य है लेकिन निष्प्रयोजन नहीं। निष्काम है, निष्कारण नहीं है, निष्प्रयोजन। मनुष्य के अधिकतर कर्म निष्प्रयोजन होते हैं, कर्म करते रहते हैं लेकिन निष्प्रयोजन। गार्डन में बैठे हो, गुजराती में कहवत छे, हिंदू ना हाथ सखणा ना रहे। इन्हें कई कई करवा दिए, सूझ इधर से देखे वो पत्ता तोड़ेगा, नीचे का घास तोड़ेगा। अब ये कर्म तो किया कि नहीं आपने? आप कहोगे निष्काम कर्म था, हमें कुछ चाहिए नहीं था इसमें से। ये निष्काम नहीं है, ये निष्कारण है, निष्प्रयोजन कर्म है। तो आपके निष्प्रयोजन कर्म को, निष्कारण कर्म को, व्यर्थ कर्म को आप निष्काम कर्म की कक्षा में नहीं रख सकते। नदी के किनारे बैठे हो, आपके हाथ में छड़ी है, लकड़ी है, वो लकड़ी से नदी के पानी में ऐसा ऐसा कर रहे हो, या नदी के किनारे तालाब के किनारे बैठे हो, कंकड़ हैं, एक एक कंकड़ उठा के आप डाल रहे हो अंदर। आपको भी पता है इससे कुछ मिलने वाला नहीं, फिर भी आप कर रहे हो। ये सारी जो प्रवृत्तियां है निष्प्रयोजन प्रवृत्तियां, उसे आप निष्काम नहीं कह सकते। नहीं तो आप कहोगे देखिए हमें कोई अपेक्षा नहीं थी इसमें से, हमें पता था कि कंकड़ फेंकते हैं 5 साल के बाद वो कंकड़ रत्न में बदल जाएंगे, ऐसे नहीं। हमें कोई अपेक्षा नहीं थी, कंकड़ गया सो गया, भूल गए हम, वाह वाह कर्मयोगी बन गए। ये निष्काम प्रवृत्ति नहीं थी, निष्प्रयोजन थी, इसलिए ऐसी प्रवृत्ति से आत्मविकास नहीं होता। थोड़ा सा और सूक्ष्म जाए ना, तो व्यक्ति यदि ये सोचता रहे निरंतर कि मुझे निष्काम होना है, मुझे निष्काम कर्म करने, मुझे निष्काम कर्म करने, ये भी एक कामना बन जाती है। इसलिए मुझे इमैनुअल कांट का एक वाक्य बड़ा पसंद है, बार बार मैं कोट करता हूं, फ्लावरिंग ऑफ अ प्योर एक्ट। जो कर्म करो वो कर्म में ही आनंद हो, पहले तो वो यथार्थ कर्म हो, अच्छा कर्म हो, और फिर कर्म कर्म में ही आनंद। दूसरी बात, प्रभु ने इस श्लोक में कर्म फलम अनाश्रितः कहा है, कर्म फल का आश्रय, कर्म फलम अनिच्छन ऐसा नहीं कहा। ये अंतर भी समझिए, कर्म फल का आश्रय न लेना, कर्म फल की इच्छा न रखना, ऐसा नहीं कहा। आश्रय नहीं लेना, कर्म फल की इच्छा रखना एक अलग बात है, और कर्म फल को आश्रित होना, कर्म फल के अधीन होना, वो अलग बात है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।